अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम पलंदरी से रवाना हुए हैं और इस वक्त आजाद पतन के मुकाम पर हम खड़े हैं। मौलाना सैयद यूसुफ खान साहब अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम जम्मू कश्मीर का काफिला आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं। लोग मौलाना सैयद यूसुफ की एक काल पर पलंदरी से रवाना हुए हैं। मंगठ से काफिले आ रहे हैं, रावलाकोट के काफिले आ रहे हैं। हजारों की तादाद में अफराद इस्लामाबाद आज़ादी मार्च की तरफ रवाना हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के धरने में, मौलाना फजल रहमान के मार्च में शिरकत करेंगे। ये वो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो अपने जम्मू कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक के लिए बाहर निकले हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों को एक पैगाम देने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं कि कश्मीरी 85 दिन से आज कश्मीर के अंदर बेबसी की तस्वीर बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान गैरों के कजिए सलझाने में मसरूफ़ हैं। आज कश्मीर का नौजवान इस्लामाबाद की जानब रवाना हो रहा है और वहाँ जाकर मौलाना सैयद यूसुफ की आदत में इंशाअल्लाह उनको ये पैगाम देंगे कि कश्मीरी अब तकरीरों से नहीं बहलाया जा सकता, कश्मीरी को आज़ादी के लिए कोई अमली इकदाम करने पड़ेंगे, इसकी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ ये पैगाम आज पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने पेश किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। है पूरा देश धरने के लिए तैयार मौलाना, तैयार मौलाना, मौलाना आजादी की खातिर बरसरे बेदार मौलाना। है पूरा देश धरने के लिए तैयार मौलाना, मौलाना हम तुम्हारे साथ हैं। तेरे नारे से ऐवार कप कपाता डगमगाता है, सिलेक्टेड को तुम्हारा मार्च ख्वाबों में डराता है, सिलेक्टेड को तुम्हारा मार्च ख्वाबों में डराता है। पयामे मर्ग है इनको तेरी ललकार मौलाना, पयामे मर्ग है इनको तेरी ललकार मौलाना। है पूरा देश धरने के लिए तैयार मौलाना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें देखे तो इसके हल्क में रह जाए सांस अटकर, ठहर सकता है कौन इस काफिले के सामने डट कर, ठहर सकता है कौन इस काफिले के सामने डट कर। हमारे काफिले का है सिपा सालार मौलाना, हमारे काफिले का है सिपा सालार मौलाना।